इसलिए सत्संग करना जितना भी हो सके। तो आगे कोई भी कथा सुनाए तो आप लोग कथा कीजिएगा, कथा सुनिए, कथा कहिएगा, औरों को सुनाइए। द्वादश स्कंध में अनेक राजा राजाओं का कलयुग आदि का वर्णन करते हुए कलयुग केवल नाम आधार, कलेर दोष विधि राजा नास्ति एको महान गुना। कलेर दोष निधि, निधि कहते हैं सागर, दोषों का सागर है कौन? कलयुग। एको महान गुना केशवश्य नाम कीर्तन, भगवान हरि का कीर्तन करो। तो माता बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक चीज मांगू, दोगे? हाँ ना तो करो, दक्षिणा पानी तो जो देना देना, लेकिन आप रोज 2-3 मिनट अपने घरों में श्री कृष्ण का कीर्तन कर लेना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित जी को जब समस्त भागवत सुना दी तो सुखदेव जी ने कहा, भैया परीक्षित कहाँ खो गए? बोले, गुरु जी आप तो कथा कही, आनंद आ रहा है। बोले, आनंद नहीं, अब समय पूरा हो गया है तुम्हारा, 7 दिन हो गए। तो 7वें दिन उन्होंने अपनी परम कृपा की। देखो गुरुदेव, सतगुरु संत भक्त कैसे होते हैं, पहले अपने वाणी के द्वारा दीक्षा लेते हैं। जिसने किसी भक्त के द्वारा भगवत प्रेम लिया वो उसकी दीक्षा होगी वाणी के द्वारा। जिसने माला पहना दी कंठी, एक दीक्षा वो हो गई। जिसने भेष दे दिया साधु का, है ना, जैसे कोई पहले आप लोग पैंट शर्ट पहन रहे हो, ये सब चीज चल रहे हो, लेकिन किसी भक्त के साथ में आ गए तो फिर वैसा भेष आपको मिल जाएगा। जैसे कृष्णचंद्र शास्त्री जी कहते हैं, दक्षिण में एक उनके भक्त हैं, तो बोले कि वहां पे वो धोती ही धारण करते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही वाणी के द्वारा, देश के द्वारा, तुलसी कंठी के द्वारा, और फिर सिर पे हाथ रखने, आहा, ये हर कहीं नहीं मिलती। सिर पे हाथ अगर आ जाए भक्त का, भगवान के भक्त का, तो उसके अंदर जो भक्ति भावना के पहले उमड़ रही है वो उसमें भी प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा है। पैर छूते हैं माता पिता के, तो आपके जब कोई पैर छुएगा तो क्या आपको गुस्सा आएगा कि आनंद से भर जाओगे? बोलो बोलो, आनंद से भर जाओगे। और जब उस आनंद से भर जाओगे कि ये झुक गया है, जो झुक जाते हैं वो औरों को झुका देता है, फिर उसके सिर पे हाथ रखते हैं, भैया तो झुक झुक जियो, भैया तो विद्यावान हो, अंदर की आत्मा से आशीर्वाद मिलता है। बोलो राधे राधे। तो इसलिए माता बहनों, भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों, सभी जो बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप के चरण छुए। और चलते चलते कलोनी वालों से कहूंगा, अब तक अंडे बहुत खा लिए, अगर यमराज के डंडों से बचना चाहते हैं तो अंडों को छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, नहीं तो प्राचीन बरही की तरह वे ही पशु तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे। अब बस हरि नाम में अपना जीवन बिताओ। यहाँ भगवान भोलेनाथ हैं, ये पिछले 3 सालों से ऐसे का ऐसा ही है। सब लोग चंदा वंदा डाल करके थोड़ा सा प्रोग्रेस कर दो भाई, अच्छा सा छोटा सा मंदिर बना दो, ये पन्नी लगा रखी है। कहाँ हो आप लोग, कौन से बोलोगे हम तो हिंदू, कैसे हिंदू, हिंदू नहीं हो, बिंदु हो, बिंदु। अपने अपने मंदिरों को सजाओ, संवारो, टाइल लगाओ, फर्श अच्छे से बनाओ। और हर हफ्ते सोमवार को इस कॉलोनी के कौन लोग हैं, हाथ उठाओ, इस कॉलोनी के वाले, इस कॉलोनी वाले हाथ उठाओ, आप लोगों की सेवा है। हर सोमवार को यहाँ भगवान का कीर्तन करने आना। सारी की सारी बहनें फोन कर लो, हाँ बहन पंडित जी बता के गए थे, गुरु जी हम कीर्तन करेंगे, करोगे कीर्तन सोमवार को? सोमवार 1 घंटा बस केवल, कितनी देर? तो जो करने के लिए भोले बाबा से प्यार करते हैं वो हाथ उठाओ, जो भोले बाबा के प्रेमी है देख लो भैया हाथ। तुम इसी कॉलोनी में रहते हो ना, सबके नाम लिख लो डायरी में। तो सोमवार को यहाँ कीर्तन किया करना, और फिर जब कभी हमारी जरूरत पड़े, वैसे आप लोगों को जरूरत पड़ती नहीं है,
भोले बाबा ने बुला लिया आपको, तो नहीं पढ़ते तो हमारी भी जरूरत नहीं है। तो अंतिम श्लोक बोला परीक्षित जी को कि देवों में तो भगवान महादेव बड़े हैं, बोलोगे? चलो बोल ही लो। फिर आप लोग यहाँ तिलक करने के लिए आना, जो भी विदाई में यहाँ तिलक देना करना चाहते हैं वो भैया आज कर लेना। वैसे तो व्यास नदी में तिलक करके बिठाना चाहिए, लेकिन आप लोग रोज नहीं तिलक कर सके तो अब यहाँ विदाई के समय पे आप लोग तिलक कर सकते हैं। बोलिए निम्न गानाम।